हाय गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम बुकमार्क। तो चलो देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। आइसक्रीम बुकमार्क को बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हैं मार्कर्स, पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ, सीज़र, कार्डबोर्ड। अब पहले कार्डबोर्ड को हम दिखाए हुए तरीके से कट कर लेंगे। हमें कार्डबोर्ड पर एक सी बनाना है और सी बना के उस पर हमने पहले कार्डबोर्ड पर एक सी बना लेंगे। देखिए मैंने एक सी बना लिया। अब हम उसे थोड़ा डार्क ट्रेस कर लेंगे ताकि हम उसे नीटली कट कर सकें, और ये हमें बहुत ज़्यादा नीटली कट करना है। अगर ये अच्छे से कटे हुए तो हमारी पूरी आइसक्रीम की शेप बिगड़ जाएगी, और बगैर शेप हुई हुई आइसक्रीम तो आप नहीं खाओगे। तो इस तरह मैंने इसको शेप कर ली। अब मैं इसे कट करूँगी। तो हमें बहुत नीटली कट करना है ताकि हम ना जब इसकी आइसक्रीम की शेप है तो मैंने इसे कट कर लिया है। और ना मुझे जो नीचे का पार्ट मुझे थोड़ा सा ना अप एंड डाउन लग रहा था, लेवल नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा कट कर लिया। ये स्टेप आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को भी अपना अप एंड लेवल नहीं लग रहा तो आप इसे कट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे रहने दो, वैसे ही रहने दो। अब मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ जैसे आइसक्रीम्स पे मोस्टली होता ही है। तो ये पैटर्न मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसे पेंट करेंगे। तो ऊपर मैं कर रही हूँ पर्पल कलर का पेंट, बिकॉज़ हमारी आइसक्रीम पर्पल और ब्लू कलर का। तो मेरा पेंट बिकॉज इज डन हो गया है। अब हम करेंगे इस पर ब्लू पेंट। आप देख सकते हैं ब्लू पेंट में ना जो इसकी साइड्स में बीच से करना है ना, वो ध्यान रखना है कि पर्पल में ना मिक्स हो जाए, बिकॉज अगर ये मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मिक्स करने के बाद मैं इस पूरे को आउटलाइन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक मार्कर। अब आप देख सकते हो हमें आउटलाइन भी बहुत नीटली ही करनी है। इस तरह से हम जल्दी जल्दी से आउटलाइन कंप्लीट करेंगे अपनी, और हम लोग इसको हर पार्ट को आउटलाइन करेंगे। तो मेरी आउटलाइनिंग डन है। अब हम बनाएंगे कुछ स्प्रिंकल्स। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने पिंक, येलो एंड ब्लू मार्कर लिया स्प्रिंकल बनाने के लिए। आप अपनी चॉइस से कोई भी मार्कर ले सकते हैं, और जो आइसक्रीम का कलर है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ करके रख सकते हैं। तो मेरे स्प्रिंकल्स तो रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे इसकी आइज़ और फेस। तो मैंने इसकी आइज़ ड्रॉ कर ली। हमें बस एक सर्कल ड्रॉ करना है, थोड़ा साइड से हमें लाइन ड्रॉ करनी है और कलर कर लेना है हाफ आइज पे। द सेम मैं इसमें दूसरी आइज़ भी बना ली है और ये बहुत अच्छी लग रही है। अब आइज़ और फेस में मैंने बना लिया। आइज़ बनाने के साथ से मैंने फेस बना लिया। अब आइसक्रीम स्टिक जो है हमारी, उस पर भी हमने हमारे ऊपर वाले कलर की तरह पेंट करेंगे। और अब मैंने आइसक्रीम स्टिक को पेस्ट कर दिया हमारी आइस। तो इस तरह से हमारा बुक मार्क रेडी है। आप इसे किसी भी बुक पर दिखाए हुए तरीके से लगा सकते, मतलब जहाँ पर आपका पेज है वहाँ पर से रखो एंड बुक बंद कर दो। आप देख सकते हो ये ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है। आप कहीं लेके जाओगे तो रेडी है। वाओ, तो अब इतना अच्छा बुक मार्क बहुत प्यारा लगता है। तो इसी को ज़रूर से लाइक करना, हमारा बुक मार्क सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।